मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, इस पे जरा सर्च आउट करें कि क्या होने क्या वाला है इंसानियत के साथ। मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, तो क्या हम सारे मशीन्स बन जाएंगे और टर्मिनेटर्स हम पे हावी हो जाएंगे? वैसे तो टर्मिनेटर हावी हो चुके हैं, स्मार्टफोन को मैं टर्मिनेटर ही समझता हूँ। हु हैव एक्चुअली टर्मिनेटेड आर ह्यूमैनिटी एंड हु आर एक्चुअली कन्वर्टिंग अस टू मशीन्स एज वेल। ओके, ज़ॉम्बीज, इनसेंसिटिव पीपल हु हैव अ वेरी मायोपिक विजन, छोटा सा विजन है उनकी, बस यही सोच है कि खा ले पी ले जी ले, और किसी का उन्होंने नहीं सोचना। और यू कैन टेस्ट इट, आप ये बच्चों से पूछ लें, ओए लेवल्स के बच्चों से, कि बेटा तुम्हारी अम्मी या अब्बू कौन सी मेडिसिन खाते हैं? अगर खाते हैं, उनमें से शायद चंद एक को पता, क्योंकि ना कभी खिलाई है ना कभी ला के दी है, क्योंकि विजन यही है ना कि बस माँ नौकरानी है, बाप एटीएम की मशीन है। असल में तो यही हो रहा है, और ये भी क्यामत के साइंस है। क्वेश्चन 10-15 प्रैक्टिसेस, कलैमिटी बिफॉल्स इट, इट वॉज आस्क्ड एंड व्हाट आर दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी उम्मत 15 चीजें प्रैक्टिस करेगी तो फिर उन पे क्लैमिटी आएगी, उन पे फितना आएगा, उन पे प्रॉब्लम्स आएंगी। वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने जो रेलेवेंट लिस्ट है वो निकाली है। इसमें ज़कात ना देना है, इसमें झूठी गवाही ना देना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्हेन अ मैन ओबेज हिज वाइफ बट डिसओबेज हिज मदर, व्हेन अ मैन ट्रीट्स हिज फ्रेंड वेल बट इज हार्श एंड डिस्टेंट विद हिज फादर, सुभान अल्लाह। यानी बाप बात करे तो गुस्सा चढ़े, फ्रेंड बात करे तो बहुत खुशी से जवाब दें। बाप सिर्फ ये पूछ ले कि बेटा आज क्या किया, क्या हाल है, तो उस पर गुस्सा चढ़ने लगे। बाप ड्राइविंग के दौरान सीट पे बैठ जाए, वैसे कुछ क्वेश्चंस करने लग जाए या कुछ समझाने लग जाए, तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाए और बाप को गुस्से से जवाब दिया जाए। लेकिन कोई दोस्त साथ बैठा है तो फिर चेहरा खिला हुआ है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत शुगर लग रहा है। सो वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स टुडे। और याद रखें कि ये बात बार बार मैं कहता हूँ कि एक फॉर्मूला है लाइफ का, और ये मैंने खुद विटनेस किया है कि द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ इज टू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद योर मदर। जिस औलाद ने माँ से बदतमीजी शुरू कर दी, देन ही और शी शुड काउंट हर डेज और हिज डेज, फिर वो बस डेज को काउंट करे कि कब तबाही आती है मेरे ऊपर। और ये लाइफ का एक फॉर्मूला है। एंड सेम गोज फॉर फादर एज वेल, कि जब फादर की बातों पे गुस्सा चढ़ने लगे और हम उनको टाइम भी ना दें, देखे ना कितना गैप है, कल्चरल गैप है, उनको स्मार्टफोन यूज नहीं करना आता, उनको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती, उनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता, तो हम दोस्त की विंडो इंस्टॉल करने तो रात को 2 बजे भी पहुंच जाए, लेकिन वालिद मोहतरम अगर वैसे ही कह दें कि बेटा जरा मुझे भी कुछ सिखा दो, तो हमें गुस्सा चढ़ने लगे और वो हमारे गुस्से को फील करें और सोचें कि उनका कितना दिल दुखता होगा कि ये क्यों मुझसे ऐसे बात करता है, मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, मैंने आखिर इससे क्या, इसका बिगाड़ क्या दिया है। सो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट।